हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके जहन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि सी टैट में कितने नंबर होने चाहिए, अदर स्टेट वाले पीजीटी और टीजीटी फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड या बीएड वाले अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, मतलब बहुत तरीके के सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग, ये लेटर आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा कि अदर स्टेट वाले जो हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, कोई प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो, यानी कि आप लोग जो है पूरे इंडिया से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिहार में। लेकिन जो आपके मेन क्वेश्चन है उनका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ गाइज। जैसे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या सर सी टैट में कितने नंबर होने चाहिए, है ना, सी टैट में नंबर कितने होने चाहिए। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि एस सी एस टी ओबीसी और दोस्तों जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, तो इनके लिए पासिंग मार्क जो रहेगा वो आपका सी टैट का वो 82 नंबर रहता है और जनरल वालों के लिए रहता है 90 नंबर, ठीक है। तो अब ऐसे में दोस्तों बात ये आती है कि क्या हमारे 90 नंबर होंगे तभी हम लोग बिहार में अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, कहीं भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपके 90 नंबर चाहिए। अगर आप एस सी एस टी और ओबीसी से हैं तो आपको 82 नंबर लाने की जरूरत है केवल पेपर फर्स्ट में, ठीक है। देखिए, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है, जो नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं आप लोग, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसमें आपको 90 नंबर चाहिएंगे, ठीक है। आगे से कोई बदलाव होता है तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। ये वीडियो बन रही है आपकी 30 जून को और 90 नंबर चाहिए दोस्तों आपको जनरल वाले के लिए। अब दोस्तों एक दिमाग में चीजें और आ रही होंगी कि गाइज क्या हम लोग वहां पर तो जनरल में काउंट होंगे तो हमें नंबर इतने नंबर 82 नंबर कैसे काम चल जाएगा। देखिए, जहां पर जो वैकेंसी है लगभग 31,000 लगभग वैकेंसी है दोस्तों, है ना, तो यानी कि जनरल की, तो इसमें आप लोग फाइट करेंगे, लेकिन जो सी टैट के प्रमाण पत्र है, जो आपके नंबर हैं वो 82 नंबर ही चाहिए एस सी एस टी ओबीसी के लिए। तो आपके अगर इतने नंबर हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग बी एड किए हैं, ठीक है, और बी एड में, और मतलब जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें आपके 50% नंबर हैं, उसके साथ आपका बी एड है स्नातक, देख पा रहे ना, 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक बी एड, ठीक है, ये होना जरूरी है। तो 50% अंक आपके होने जरूरी हैं। अगर बात करें 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और चल रहा होगा कि क्या सर हम लोग बी एड या डीएलएड वाले, ठीक है, अपेयरिंग में है, क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इन्होंने एक डेट दी है लगभग, अगर आपका रिजल्ट अगस्त से पहले पहले, यानी कि अगस्त के 20 अगस्त को भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है बीएड का और डीएलएड का फाइनल रिजल्ट, ठीक है, और मार्कशीट आपके पास आ जाती है, तो आप लोग अपेयरिंग वाले भी वैलिड होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने सी टैट का फॉर्म फिलअप किया है इस बार, ठीक है, या आप सी टैट का पेपर क्लियर नहीं किए हैं और आपने बीटीसी कर रखी है, या आप लोगों ने बीएड कर रखा है और आपका सी टैट पेपर क्लियर नहीं है और आपने अगस्त के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है, ठीक है, तो अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए अभी ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, साइट में जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा क्योंकि वहां पर जो स्कैनिंग करके मांग रहा है, तो ध्यान रहे अगर आपने बीटीसी और बीएड कर रखा है, सीटेट आपका क्लियर नहीं है, तो सीटेट क्लियर नहीं है और 20 अगस्त के लिए आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो आप लोग अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि दोस्तों अदर स्टेट वाले जो है टीजीटी पीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकते क्या? अभी तक दोस्तों जो साइट दिखा रही है तो अदर स्टेट वाले टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। दोस्तों आगे संशोधन होता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे खास बात यह है कि अगर आप लोग अदर स्टेट के हैं, चाहे यूपी से हैं, चाहे वो किसी अदर स्टेट से,
तो आपको एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है 82 नंबर की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सी टैट है सेंटर का, ठीक है, सेंटर अर्थात पूरे देश का। तो इसमें आपके 82 नंबर ही चलेंगे, बिहार में भी इसमें 90 नंबर लाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अब अगर आप लोग जनरल में हैं तो आपको 90 नंबर लाने की आवश्यकता है। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।